Now we will talk about democratic governments. India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. क्योंकि इंडिया के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत लंबे समय के बाद इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है. सो देर आर अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड, और भी बहुत सारी प्लेसेज हैं वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज, जहाँ पे लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसीज को अटेन करने के लिए. यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट है कि हमारे पास अब वो एक फीचर है डेमोक्रेसी में दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. हम अपने लीडर्स चुन सकते हैं. सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे समय में दे आर यूजली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू. सो दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट, ये मिलते हैं एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. ये पूरी पॉपुलेशन के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव दे मीट एंड दे मेक डिसीजंस. दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक. सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. सो दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. सारे अडल्ट्स को वोट करने की आज्ञा होनी चाहिए, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. बट ऐसा हो नहीं रहा था. सो कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ. एक ऐसा भी समय था जब सरकार औरतों को और जो गरीब लोग हैं वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही करने का राइट नहीं था. सो इन देयर अर्लियस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मेन, सिर्फ उन आदमियों को ही अब गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ था जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो पढ़े लिखे थे, हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट. सो दिस मेन दैट वुमेन एंड द पुअर, जो औरतें थी और जो पुअर थे और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जो अनएजुकेटेड थे, दे वर नॉट अलाउड टू वोट. उनको वोट देने का राइट ही नहीं था. सो द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मेन मेड. ओके, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1945 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उससे पहले ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट. बहुत ही छोटे कम लोगों को वोट करने का राइट दिया जाता था एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी. सेवरल पीपल, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग गांधी जी भी उसमें इंक्लूडेड थे, वो बहुत शॉक थे कि ये बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट है, दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस. एंड उन्होंने डिमांड किया दैट ऑल अडल्ट हैव द राइट टू वोट. सारे अडल्ट के पास राइट होना चाहिए वोट करने का. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. और उन्होंने अपने जर्नल, गांधी जी ने अपने एक जर्नल में लिखा था, जर्नल का नाम था यंग इंडिया, 1931 में उन्होंने लिखा, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ, जिनके पास पैसा है, शुड हैव टू वोट, बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर, जिसके पास कैरेक्टर है बट पैसा नहीं है और एजुकेशन नहीं है, शुड हैव नो वोट. उसको वोट देने का राइट नहीं है, ये कैसी बात हुई. और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली, जो इतनी ऑनेस्टी के साथ वर्क कर रहा है बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे एंड नाउ डे आउट, दिन रात वो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, जस्ट बिकॉज कि वो पुअर है तो उसके पास राइट नहीं है वोट देने का. तो ये सारी चीजें बहुत मैटर कर रही थी, राइट.